महानगरों की तर्ज पर जिले की यातायात पुलिस हाईटेक होने जा रही है। पुलिस ने अब हाईटेक डिवाइस मशीन से चालान काटने की कार्यवाही शुरू कर दी है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि चालान रसीद काटने पर लोगों की शंका बनी रहती थी, अब डिवाइस मशीन से चालानी कार्यवाही की जाएगी। रायपुर के बाद अब दुर्ग में भी हाईटेक डिवाइस मशीन से चालानी कार्रवाई करने की शुरुआत की जा चुकी है। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव, यातायात पुलिस के डीएसपी सतीश ठाकुर ने यातायात के 35 अधिकारियों को हाईटेक डिवाइस मशीन प्रदान की। 5 डिवाइस मशीन कुम्हारी खुर्सीपार, भिलाई 3, सुपेला और छावनी थाने को भी दी गई है। डिवाइस मशीन में एक यूनिट कोड दिया गया है जो व्यक्तिगत लॉगिंग आईडी एवं पासवर्ड से खुलता है। जिस अधिकारी के नाम से मशीन रहेगी वही अधिकारी इसका उपयोग कर सकेगा। डिवाइस से ऑनलाइन कार्रवाई होगी जिसमें ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के साथ साथ क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध होगी जिसमें यूपीआई के माध्यम से वाहन चालक पेमेंट कर सकते हैं। मशीन के माध्यम से मौके पर ही ई चालान बनाया जा सकेगा। हाईटेक डिवाइस मशीन की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने दी। कितना कारगर होगा जो नॉर्मल रसीद काटते हैं इसके मुकाबले? आज स्मार्ट पुलिसिंग के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस को जो एसबीआई पेमेंट एटीएम सिस्टम दिया गया है जिसमें कि क्यूआर कोड से या एटीएम से पैसे डिटेक्ट हो जाएंगे, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, दिन भर का डेटा कलेक्शन अच्छा होगा। दुर्ग पुलिस पहले भी ट्रैफिक के लगातार काम कर रही है, हमने हेलमेट युक्त कचरा मुक्त दुर्ग भिलाई अभियान लॉन्च किया है, उसका काफ़ी अच्छा हमें समर्थन मिल रहा है जनता से। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो लोग बार बार गलतियां करेंगे या जो लोग चालान पटाने की इच्छा रखेंगे उनको ये स्मार्ट सिस्टम से किया जाएगा। इसमें वर्चुअल कोड से भी जोड़ा जा रहा है, जो लोग पुलिस के सामने चालान नहीं पटाना चाहते हैं उनको वर्चुअल कोड का उन्हें कोड मिल जाएगा, उससे वो पेमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर। तो कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट, आरटीओ, पुलिस तीनों इंटीग्रेटेड सिस्टम है, निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे दिल्ली और मुंबई महानगरों में जैसे चालान काटा जाता है उसी तर्ज पे दुर्ग भिलाई में भी चालान काटा जाएगा। सर, ये प्रदेश में पहला जिला है जहाँ पे रायपुर में इसकी स्टार्ट अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया गया। तो रायपुर दुर्ग पहले जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायपुर दुर्ग और बिलासपुर में इसको लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि दुर्ग पुलिस लगातार अपडेट हो रही है, इसी कड़ी में ई चालान डिवाइस मशीन बेहतर माध्यम होगा। डिवाइस से NIC, RTO, ट्रैफिक, SBI व न्यायालय को लिंक किया गया है। वाहन चालक किसी भी तरह का चालान हाईटेक डिवाइस मशीन के माध्यम से पटा सकते हैं। इससे चालान को लेकर लोगों के मन में बने रहने वाली शंका का समाधान भी होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।